आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, दो टॉपिक। फर्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट ओयर साइज एंड हाउ टू कैलकुलेट एमसीबी। तो हमारा घर में और इंडस्ट्री में किसी भी जगह में जाओ तो आपको ओयर का साइज आपको निकालना पड़ेगा। किसी भी आपको एक स्विच बोर्ड में स्विच लगाना है, सॉकेट लगाना है, कुछ भी लोड देना है, तो उसमें एक पहला बात है कौन सा ओयर लगेगा और दूसरा है कौन सा एम्पियर का एमसीबी लगेगा। आज हम लोग जो जो फॉर्मूला सीखेंगे तो फॉर्मूला के अंदर हम लोग और भी कुछ निकल सकते हैं। क्या ना, पहला है कौन कितना एम्पियर का हम लोग स्विच यूज कर सकते हैं, कितना एम्पियर का सॉकेट यूज कर सकते हैं, कितना एम्पियर का फ्यूज निकल सकते हैं। तो ये भी हम लोग इस आज का जो वीडियो है, टॉपिक है, इससे हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट जो पॉइंट है हाउ टू कैलकुलेट ओयर साइज, हम लोग पॉइंट एक पॉइंट कवर करेंगे ना। हमारे किसी भी ओयर एमसीबी स्विच सॉकेट हम लोगों को निकालना है, कितना एम्पियर का कितना साइज का हम लोग ओयर लगाना है। तो उसके पहले हम लोगों को दो चीज, क्या ना, दो चीज हम लोगों को जानना जरूरी है। तो पहला है हमारे पास लोड कितना है। आपके पास घर में टीवी, फैन, एसी रहेगा तो उसका वाटेज रहता है, वो वाटेज को प्लस प्लस कर लेना है। तो 40+, 60+, 200+, ऐसा आपको प्लस 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 करके लेना है। प्लस कितना होता है उसका टोटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको आ जाएगा टोटल वाटेज। और आपके पास उससे ज़्यादा है बोलते हैं तो 0.5 किलोवाट, 100 किलोवाट, 300 किलोवाट, तो आपको किलोवाट में भी आपको कर सकते हैं। आप जो एमसीबी फ्यूज लगाना चाहते हैं वो कौन सा वोल्टेज में लगाना चाहते हैं, 220 वोल्ट में या 440 वोल्ट में। तो हम लोगों को क्या निकलना पड़ेगा, पहले एम्पियर, पहले ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल की तरफ डब्ल्यू वी और आई, डब्ल्यू निकलना चाहते हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है वी और आई, वी आई आपको वी निकलना है, आपको क्या दिखाई दे रहा है डब्ल्यू बाई आई। डब्ल्यू मतलब लोड, वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट, आपको आई निकालना है। तो डब्ल्यू बाई वी ये हमारा सिंपल फंडा है और सिंपल एक लॉ है। तो इसके अब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों को क्या निकलना है, आई निकलना है। तो आई का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू बाई वी, और हमारा डब्ल्यू क्या है ना, 1200 वाट, 1200 वाट डिवाइड बाई वोल्टेज। हम लोग पहले 220 वोल्ट में निकालेंगे और 440 वोल्ट में भी हम लोग निकालेंगे। तो देख लेते, 220 वोल्ट कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.545, हमारा ये एम्पियर आएगा। तो इसको हम लोग किलोवाट में रहेगा तो हम लोग को पहले वाटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारा आसानी से के लिए, हमारा इजीली पता चलने के लिए। तो ये हो गया है 220 वोल्ट में किया है। जो 440 वोल्ट में करेंगे तो कितना आता है देख लेते हैं। तो आई इजिकल टू डब्ल्यू बाई भी, 1200 बाई 440, 2.772 एम्पियर। 1200 वाटेज जो हमारे पास लोड है, लोड कितना एम्पियर करंट लेगा, 220 वोल्ट में 5.545 एम्पियर करंट लेगा, और 440 वोल्ट में 2.772 एम्पियर करंट लेगा। वायर साइज कैसे हम लोग निकालेंगे, 220 वोल्ट के लिए और 440 वोल्ट, इसके लिए क्या करेंगे ना, 220 वोल्ट में कितना एम्पियर निकला, 5.545, और 440 में 2.772। तो हम लोग वायर साइज निकालने के टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। तो सिंगल फेज के लिए निकलेगा 8.3175, मतलब 8.318 एम्पियर, और 440 वोल्ट के लिए निकलेगा 4.158। हम लोग जो ओयर साइज निकालेंगे और ओयर साइज एमसीबी स्विच सॉकेट एटसेट्रा, हम लोग जो ये चीज हम लोगों को लगाना है कितना एम्पियर में, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों को
एमसीबी स्विच सॉकेट, ये तीनों चीज को हम रिकवर करना है। तो सिंगल फेज के लिए हम लोगों को कितना एम्पियर करना पड़ेगा, एमसीबी होगा, एमसीबी होगा तो आपके पास मिनिमम 8 एम्पियर के ऊपर लेना पड़ेगा। पहली बात 8 एम्पियर के ऊपर लेना पड़ेगा, 8 एम्पियर के ऊपर लेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है 10 एम्पियर, तो हम रिक्वायर करना है 10 एम्पियर एमसीबी। और स्विच का भी बात करेंगे, स्विच सॉकेट का बात करेंगे तो 10 एम्पियर 8 एम्पियर के ऊपर लेना है, तो 8 एम्पियर के ऊपर हमारे पास 10 एम्पियर नहीं होता है, डायरेक्ट 16 एम्पियर, तो हम लोगों को 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट रिकवर करना पड़ेगा। सिंपल हम लोग थ्री फेज को लेंगे, एमसीबी हम लोगों को रिकवर करना पड़ेगा 4 एम्पियर के ऊपर, 4 एम्पियर के ऊपर लेंगे तो आ जाता है 6 एम्पियर। स्विच सॉकेट हम लोगों को रिकवर करना होगा तो सेम 4 एम्पियर के ऊपर जाएंगे तो 6 एम्पियर का स्विच सॉकेट मिल जाएगा। तो हमारे पास एमसीबी स्विच सॉकेट कैसे हम लोगों को रिकवर करना है, आपके पास लोड और वोल्टेज दोनों पता चलेगा तो आपको आसानी से आपका स्विच कौन सा एम्पियर का लू, एमसीबी कौन सा एम्पियर का लू आपको पता चल गया। तो हम लोग इसके बाद जाते हैं जो वायर का साइज कैसे हम लोग डिपेंड करेंगे, कैसे हम लोग ढूंढेंगे। तो सिंगल फेज के लिए जो हमारे पास 8.5358 है और थ्री फेज के लिए 2.158 एम्पियर तो है, तो हम लोग वायर साइज निकालने के टाइम हम लोग को दो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला बात है ये ओयर कौन सा जगह में यूज होगा, पहली बात है ये ओयर एयर के अंदर रहेगा, दूसरा है ये विदाउट एयर रहेगा, मतलब एक है एयर का मतलब है खुला रहेगा, मतलब ये केसिंग कैपिंग के अंदर हम लोग ओयर लेके जाएंगे या पाइप के थ्रू लेके जाएंगे ना, ओपन रहेगा ओयर। और दूसरा है विदाउट एयर, एक कॉन्सिलिंग होगा ना अंडरग्राउंड होगा, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपके पास ये एम्पियर निकलने के बाद आपको एक ऐसा वाला वायर का साइज का चार्ट मिलेगा, तो आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं इसका एक फोटो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दे देता हूँ, आप लिंक में जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप मेरे पास इधर है सिंगल फेज और थ्री फेज के लिए सेम ही हो रहता है, तो मैं थ्री फेज के लिए अलग करके दिखाता हूँ, सिंगल फेज के लिए अलग करके दिखाता हूँ। एयर और विदाउट एयर, मैंने एक नंबर लिखता हूँ एयर, दो नंबर विदाउट एयर। तो सिंगल फेज में जो 8.358 एम्पियर है एक सा वायर साइज डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो मेरे को इधर दिखाई दे रहा है एयर के अंदर आप 0.75 एमएम स्क्वायर का वायर यूज कर सकते हो, बट जब भी काउंसिलिंग के अंदर आएगा, अंडरग्राउंड के अंदर आ जाएगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा 1.0 एमएम स्क्वायर का। आपके पास इधर निकला है 20 एम्पियर, सिंगल फेज में आपका जो लोड है वो 20 एम्पियर निकला है, तो आपको यूज करना पड़ेगा केसिंग के लिए, केसिंग कैपिंग के लिए 1.5 एमएम स्क्वायर, और काउंसिलिंग मतलब विदाउट एयर इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा 2.5 एमएम स्क्वायर का। सेम हम लोग 2 एम्पियर 2.15 8 एम्पियर के लिए हम लोग यूज करेंगे 0.5 एमएम स्क्वायर, और विदाउट एयर में भी 0.5 एमएम स्क्वायर। फॉर्मूला और एक बार दिखा देता हूँ, W इज इक्वल टू V इंटू आई, V इज इक्वल टू W बाई आई, I इज इक्वल टू W बाई V। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी एम्पियर आपको निकालना पड़ेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जरूर कैसा लगा वीडियो, और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो भी क्वेश्चन कमेंट के जरिए मेरे साथ पूछ सकते हो। दूसरी बात है, आप ए टू जेड नॉलेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो ए टू जेड नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।